हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्राई करने वाले हैं स्टोन कैंडी से बनने वाला चॉकलेट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चॉकलेट मोल लिया हुआ है और डेयरी मिल्क चॉकलेट को मेल्ट कर लिया। इसके बाद मैंने इस तरह से इसे फील कर दिया। मेरे पास है ये स्टोन वाली कैंडी, इस तरह से इसमें रख देंगे और 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे रंग बिरंगी चॉकलेट बनकर रेडी है। जो स्टोन कैंडी थी उसका कलर चॉकलेट में छूट गया था। मैंने जब इसे निकाला तो ये दिखने में इतने अच्छे बने थे, मैंने इसका टेस्ट किया तो इसे खाने में भी इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि आप लोग इसे ज़रूर घर पर ट्राई कर सकते हैं। आप लोग इस तरह से इजीली होममेड चॉकलेट बच्चों को घर पर बना कर दे सकते हैं। आप में से किस किस की स्टोन वाली कैंडी फेवरेट है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।